नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। महामंडलेश्वर डॉक्टर साक्षी महाराज ने जनता का आभार व्यक्त कर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अक्सर अपने विवादित भाषणों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सांसद ने फिर कहा, देश किसी एक के बाप की बापौती नहीं है। खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव की, जहां महामंडलेश्वर सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज की रिकॉर्ड जीत की खुशी में मोहन विधानसभा क्षेत्र के औरास मंडल के भुड़कुड़ी गांव में स्वागत सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद ने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि आप लोगों ने हमें दोबारा रिकॉर्ड जीत से सांसद चुना है। सांसद ने क्षेत्र की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए एक सड़क निर्माण बनवाने को लेकर लिखित रूप से लिख कर दिया है। भाजपा सरकार की उपलब्धियों को भी बारी बारी से गिनाया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना को पुनः दोबारा से चालू किया गया है। योजना के तहत जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर बिजली पहुंचाने का काम किया जाएगा। सांसद ने कहा कि भाजपा कोई पार्टी नहीं है, भाजपा एक परिवार है, जहां पर हर एक समुदाय का सम्मान किया जाता है। देश का हर कार्यकर्ता भाजपा पार्टी परिवार का सदस्य है। पार्टी के कार्यकर्ता की जीत की खुशी के इस कार्यक्रम में नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख समेत सैकड़ों भाजपाई मौजूद रहे। समाचार ए टू जेड के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। अरे लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी, अहिंसा की फिरोसी नहीं है देश मेरा। चंद जांबाज लड़ाकों का हक है धरती पर, किसी एक के बाप की बपौती नहीं है देश मेरा। लेकिन बाद में सुनने को मिला कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, हमें दे दी आजादी बिना ढाल बिना तलवार। ऐसे ही साक्षी महाराज को सर्टिफिकेट मिल गया एमपी बनने का, इतिहास में नाम लिख गया सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का। हमारे अरुण प्रमुख जी बैठे हैं, इनने मोर्चा संभाला, सबने मोर्चा संभाला। तो इस भारी विजय के लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज ही मुख्यमंत्री जी के यहाँ से दो पत्र मेरे पास आए ऊर्जा मंत्री के माध्यम से, सौभाग्य योजना पुनः शुरू हुई है आज से। अगर कुछ लोगों के गांव घर बिजली के लिए रह गए हो तो सौभाग्य योजना में कोई छूटना नहीं चाहिए, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं त्रिपाठी जी